बिल्कुल एकदम धोखा हो गया था, बिकॉज दिखाया कुछ और आया कुछ और। हाय गाइस, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टुडे इज द लास्ट हॉल ऑफ माय मीशो हॉल सीरीज। बेसिकली मैंने पूरे क्लोथिंग हॉल की सीरीज करी है मीशो की, जिसके अंदर मैंने स्टार्ट किया था कॉटन कुर्तीज के साथ जो आप ऑफिस में पहन सकते हो, देन वेस्टर्न टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, देन वेस्टर्न और इंडो काइंड ऑफ बोहो कुर्तीज, देन लास्ट वन वॉज लाइक अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। एंड ये वाला भी जो लास्ट हॉल है हमारा मीशो का, ये भी एक मिक्स होने वाला है। इस हॉल में मैंने वो कवर किया जो मैंने अब तक बिल्कुल नहीं टच करी थी कैटेगरी, विच इज साड़ीज, अनस्टिच लहंगाज एंड सम मोर झुमकी एंड एक्सेसरीज ऑप्शन। सो जो जो आपने बोला था मैंने वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है। एंड अब तक आपने अगर वो वीडियोस ना देखी हो, उन सबका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो डू चेक इट आउट। ऑल्सो मीशो, अगर आपको नहीं पता, इट इज इंडियाज नंबर वन अर्निंग एप्लीकेशन। ये खाली एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, आप नॉर्मली एज अ कस्टमर शॉपिंग भी कर सकते हो, जैसे मैंने करी है, कोई भी कर सकता है, बट आप यहाँ पर रीसेलिंग भी कर सकते हो। ये पूरी जो एप्लीकेशन है वो रीसेलिंग पर्पज से भी बनाई गई है। जिसको भी आप सेल करोगे, अपना मार्जिन लगा के उसको सेल कर सकते, एंड बीच में आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। द होल प्रोसेस इज वेरी हैसल फ्री, एंड ये सब कैसे करना है मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगी, सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। एंड जस्ट इन केस यू आर न्यू हेयर, मेरी ब्ला ब्ला अभी तक सुन रहे हो, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज अगर इतना झेल लिया तो आगे भी झेल ही लोगे मुझे। सो आई होप यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली, हिट द बेल आइकन एज वेल, लेट्स हिट द नेक्स्ट टारगेट रियली रियली सून, ताकि हम फटाफट से एक और गिवे होस्ट कर पाए। एंड विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लोथिंग आइटम नंबर वन इज एन ऑर्गेन्जा साड़ी, एंड ये मैंने दो रीजन की वजह से लिया। नंबर वन इज ऑब्वियसली यू गाइज, आप सबने प्रीवियस हॉल में बोला था कि साड़ीज भी लेकर बताओ मीशो के ऊपर कैसी आती है, लेकिन इज इंटरनेट मेड मी बाय इट, मतलब इट इज एवरीवेयर। ऑल्दो आई एम नॉट एन साड़ी पर्सन, मैंने शायद अपनी एक बार रिसेप्शन पे पहनी थी अपने ब्रदर की, एंड एक बार फेयरवेल पहनी थी, उसके अलावा मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी, बट मैंने स्टिल ली बिकॉज आई हैव सीन एवरीवन वेयरिंग दीज पर्टिकुलर ऑर्गेन्जा प्रिंटेड साड़ी। काफी सारी एक्ट्रेसेस को लॉकडाउन से पहले मैंने देखा था, कंगना रनौत स्पेशली ऐसी वाली ऑर्गेन्जा साड़ीज पहनती है। एंड जो सेलर ने इमेज भी डाली थी, मीशो के ऊपर सेलर्स होते हैं अलग अलग, बिकॉज बहुत सारे सेलर्स अपना अकाउंट बनाते हैं मीशो के ऊपर, मीशो की तरफ से हमें कपड़े नहीं आते, हम एक एक सेलर से कपड़े खरीदते हैं। सो सेलर ने भी कंगना रनौत की पिक्चर डाली हुई थी, एंड साइड में इसका फ्लैट ले था। सो मैं थोड़ा सा डाइसी थी, बिकॉज काफी बार क्या होता है सेलर्स एक्ट्रेसेस की पिक्चर तो लगा देते हैं, बट आता कुछ और है, दिखता कुछ और है, लेकिन ये एग्जैक्टली वैसी ही आई है जो एक्चुअल में कंगना रनौत ने पहनी हुई है। एंड जो ब्लाउज का कलर भी था वो भी ऑलमोस्ट ऐसा ही आया, ऑल्दो इससे इतना मैच नहीं हो रहा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है यू कैन सी, लेकिन उसने भी जो कंगना ने ब्लाउज पहना हुआ था वो सेम ऐसा ही था। YouTube के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं हाउ टू ड्रेप अ साड़ी, हाउ टू वेयर अ साड़ी, प्लीज मेक अ ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू हैंडल एन ऑर्गेन्जा साड़ी। मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्गेन्जा ट्राई करी, एक तो मुझे साड़ी बांधना नहीं आता, सो यहाँ पर आप जो भी देख रहे हो डोंट जज माय साड़ी ड्रेपिंग स्किल्स, आई हैव जीरो साड़ी ड्रेपिंग नॉलेज। मैंने जुगाड़ लगा के जैसे बच्चों ने मैं करती थी वैसी वाली साड़ी बांधी है, सो उसको मत जज करना, जस्ट सी द लुक मेरे ऊपर एक ऐसी लग रही है। टर्कोइज एक्वा काइंड ऑफ कलर है, काफी अच्छा गर्ली कलर है, अगर आप फेयरवेल या फिर कुछ हल्के फुल्के फंक्शन के देख रहे हो इट इज परफेक्ट, बहुत अच्छी गर्ली वाइब्स देता है। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, द प्राइस ऑफ दिस इज 725, विच इज काइंड ऑफ वर्थ इट, बिकॉज मैंने फेयरवेल के लिए भी जब साड़ी ली थी मैं चांदनी चौक गई थी भरी धूप में, इधर उधर भटके थे, लास्ट में जाते आते मुझे 2,500 समथिंग की थी वो पड़ी थी, एंड फिर ब्लाउज बनवाओ उसकी अलग से स्टिचिंग 200, इस हिसाब से मुझे ये ठीक लगी, काफी अफोर्डेबल है, एंड कोरोना का टाइम चल रहा है तो घर बैठे बैठे जितने अच्छे ऑप्शन मिल जाए उतना अच्छा, सो फॉर मी इट इज वर्थ। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लेंथ लिखी हुई थी 5.5 मीटर, बाय द वे मैंने नोट्स बनाए होते हैं इसलिए मैं नीचे देखती हूँ, एंड माय मदर चेक द लेंथ ऐसे करके जैसे चेक करते हैं ना, तो शी ऑल्सो सेड कि 5.75 के अराउंड ही है, मतलब जो बताई है उतनी लेंथ आई है, साथ में ब्लाउज का कपड़ा भी है जिसको आई डोंट थिंक मैं स्टिच कराने वाली हूँ, बिकॉज उस ब्लैक ब्लाउज के साथ ये काफी अच्छी डिसेंट लग रही है, सो मुझे ऐसा जिसकी नीड नहीं है। ओवरऑल लव द लुक, द ओनली थिंग इज आई नीड टू प्रैक्टिस इन दिस। बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट साड़ी, मैं पहले ब्लाउज दिखा देती हूँ, बिकॉज मैंने मेंशन कर ही दिया है। सो मीशो से मैंने सेपरेटली ब्लाउज भी लिया है, मीशो के ऊपर बहुत सारे सेलर्स हैं जो खाली ब्लाउज भी सेल कर रहे हैं अलग अलग डिजाइन एंड कलर्स के अंदर। इस पर्टिकुलर डिजाइन के अंदर भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, सो आप अपने लाइकिंग के हिसाब से कलर भी ले सकते हो। एंड मैंने जिस सेलर से लिया है वो मुझे प्राइस पड़ा है 269 रुपीज, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 269 में मुझे इतनी भी क्वालिटी मिल जाएगी, आई थॉट बिल्कुल फ्लिम्जी मटेरियल का ब्लाउज आएगा, बिकॉज लाइक आजकल स्टिचिंग ही 750 अबव जाती है। मैंने जब 2017 में अपना फेवरेट का ब्लाउज बनवाया था मैंने 750 तक पे किया था, अभी तो पता नहीं क्या ही प्राइस चल रहा होगा। सो 269 रुपीज में आई हैव नो इश्यूज विद द प्राइस पॉइंट। अंदर स्लीव्स भी आती है बाय द वे, ये एक्स्ट्रा स्लीव्स दिए इन्होंने जो दोनों साइड आप लगवा सकते हो अगर आपको स्लीवलेस नहीं पहनना, लेकिन मुझे स्लीवलेस स्टाइल ही पसंद आया है। द ओनली इशू इज द साइज, मटेरियल इसका सिल्क है बाय द वे, लिखा हुआ था डिस्क्रिप्शन के अंदर। साइज जो था डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था फ्री साइज, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ था 38 एंड +2 मार्जिन करके लिखा
लिखा होता, सो मुझे पता था साइज बड़ा ही आएगा एंड ये आया भी काफी बड़ा है। बट द गुड पार्ट इज ये ऑल्टर हो जाएगा, मैंने पूछ लिया था इसमें ऑल्टरेशन का अच्छा खासा चांस है, ये इजिली ऑल्टर हो जाएगा मेरे साइज के हिसाब से, नो इशू। कल को थोड़ा सा खुलवाना भी होगा, वेट गेन किया फिर किसी और को पहनना हो तो बेटर रहता है। बेसिक ब्लैक ऐसा कलर का ब्लाउज सबके साथ जाता है, मैंने इस साड़ी के साथ भी पहना हुआ था, सो आपने देख लिया कॉम्बिनेशन इज नॉट दैट बैड। सो अगर मुझे ये भी ना स्टिच करवाना हो तो इसका कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छे से चल जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट साड़ी, आई हैव अ खादी कॉटन की साड़ी विच गिव्स अ वेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी लेक्चरर वाइब्स, जैसे मैच्योर लेक्चरर्स साड़ीज पहनते हैं बिल्कुल वैसी वाली वाइब देता है। सो अगर आप भी टीचिंग प्रोफेशन एंड ऑल में होना तो ये बहुत प्रिटी लगने वाली है। 469 रुपीज की मुझे साड़ी पड़ी है, विच इज नॉट एट ऑल अ बैड डील, बिकॉज अंडर 500 यू आर गेटिंग अ साड़ी घर बैठे बैठे। एंड इसके साथ ये 269 का ब्लाउज पहन लो, यू आर गुड टू गो, इसके साथ का ब्लाउज स्टिच कराने की जरूरत नहीं है। 269 469 यू आर डन, यू आर सॉर्टेड, मतलब अच्छे से बजट में आपकी पूरी लुक क्रिएट हो सकती है। इसके रिव्यूज भी काफी अच्छे थे, मैंने सारे नीचे रिव्यूज पढ़े थे, सबने इमेजेस डाली हुई थी, सो रिव्यूज काफी पॉजिटिव थे, तो मुझे आइडिया लग गया था कि क्वालिटी अच्छी आएगी। एंड अच्छी खासी लंबी ये साड़ी है, इसमें अंदर ब्लाउज दिया हुआ है, लेट मी जस्ट ओपन एंड शो यू। 9 yards of, क्या कहते हैं, 9 yards of sheer elegance, मैं भूल गई कितना yards होता है, मुझे नीचे कमेंट करके बताना। एक बड़ा फेमस कोट है ना, जो जो इंस्टाग्राम पे साड़ी पहनता है ना वो हमेशा एक कोट डालता है, मेरे फेवर के टाइम पे हर लड़की ने यही कोट डाला होता है, बिकॉज साड़ी के साथ यही जाता है। यार इसका एंड कहाँ है, ओ गॉड दिस इज टू लॉन्ग यार। ओके, ये इसका ब्लाउज मटेरियल है जो उन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया हुआ है, सो आप अलग से ब्लाउज भी स्टिच करा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको इस पर्टिकुलर ब्लाउज के साथ ही पहनना है, मैंने काफी लड़कियों को देखा है ऐसी खादी कॉटन की साड़ीज को ब्लैक कलर के टर्टल नेक हाई नेक के साथ पहनते हुए, सो जैसे विंटर्स आने वाली है सो आप ब्लैक कलर के हाई नेक के साथ भी पहनोगे ना खाली साड़ी, क्लासी लगने वाली है, इट लुक्स वेरी वेरी नाइस। एंड लास्ट में जो आपको झुमकियां दिखाने वाली हूँ ना वो इसमें एक और बोहो एलिमेंट ऐड कर देंगे, सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। सो मूविंग ऑन फ्रॉम साड़ी टू लहंगा, मैंने एक लहंगा मीशो से मंगवाया जस्ट टू सी कि लहंगे कैसे आते हैं मीशो से। बहुत सारे भरे भरे एंड बॉडी वाले लहंगे भी थे लेकिन मुझे वो इतने पसंद नहीं आए पर्सनली, मुझे एक अच्छा डिसेंट काइंड ऑफ लहंगा चाहिए था, सो मुझे ये दिखा मुझे काफी अच्छा लगा। सो इस पर्टिकुलर लहंगे के नीचे क्या था, 3 categories दी हुई थी, अनस्टिच्ड, फ्री साइज एंड सेमी स्टिच्ड। अनस्टिच्ड और फ्री साइज जो था वो सोल्ड आउट था, उस पर क्रॉस बना हुआ था, खाली सेमी स्टिच्ड का ही ऑप्शन था, तो मैंने वही चूज किया एंड ऑर्डर प्लेस कर दिया। एंड ये आया भी सेमी स्टिच्ड ही है, बिकॉज का जो नीचे का लहंगा है वो लाइक ऑलमोस्ट स्टिच्ड है, आपको खाली यहाँ पे ड्रॉ स्ट्रिंग या फिर क्या बोलते हैं नाड़ा डलवाना है, एंड यू कैन डू फिटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लहंगा। इसका मटेरियल है टफीटा एंड यू कैन सी द शाइन, इसकी काफी प्यारी शाइन है, मुझे इस पर्टिकुलर मटेरियल से कोई डाउट नहीं है। एंड ये फ्लैट ही ऐसे फॉल करते हैं, ऑब्वियसली आपको इतने प्राइस पॉइंट में घेरा तो प्रॉपर मिलेगा नहीं जैसे कैन कैन वाला होता है। इसका प्राइस है ₹514 एंड 514 के हिसाब से लहंगा का मटेरियल अनस्टिच्ड सेमी स्टिच्ड मिलना ही बहुत बड़ी बात है। सो जो ब्लाउज है वो अनस्टिच्ड है, वो पूरा ऐसा दिखता है, एंड जो मॉडल ने पहना हुआ था मैं सोच रही हूँ मैं वैसा ही स्टिच करवाऊंगी, सो इस इमेज को मैं सेव करके रखूंगी, मुझे काफी अच्छा लगा था, उसने पूरा फुल स्लीव टाइप में पहना हुआ था। सो ये पूरा इतना लंबा ये ब्लाउज का मटेरियल है, इतना ज्यादा लंबा भी नहीं है, मुझे लग रहा है अगर कोई बहुत ज्यादा हेल्दी होगा ना तो आई गेस कम पड़ने वाला है, मैं भी शायद जुगाड़ लगा के बनवा सकती हूँ। आई एम स्टिल नॉट श्योर कि ये फुल स्लीव्स का बनेगा नहीं बनेगा, बिकॉज मुझे इसका पूरा जो एरिया है मुझे हल्का सा कम लग रहा है, अगर फुल स्लीव नहीं बनेगा तो मैं इसको स्लीवलेस बनवा लूंगी। एंड इसके साथ आता है दुपट्टा भी, नेट का दुपट्टा आता है, आपके पास कैन कैन की स्कर्ट है ना तो इसके नीचे कैन कैन की स्कर्ट पहन के घेरा काफी प्रिटी आने वाला है। यहाँ पे जो मैंने इमेजेस में पहना हुआ है मैंने जुगाड़ लगा के पहना हुआ है, मैंने इसको पीछे से टाई करके जस्ट टू शो यू द लुक, इसकी लुक कैसी आती है। अभी थोड़ा सा फ्लैट फॉल कर रहा है बट इसके नीचे कैन कैन की स्कर्ट अगर आप पहनोगे तो काफी अच्छा घेरा आने वाला है, एंड लाइट फंक्शंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, अगर आपके कोई फ्रेंड फैमिली में किसी का फंक्शन हो, दूर के रिश्तेदार या किसी की शादी हो, सो 514 लाइक 514 रुपए के हिसाब से कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, आपको खाली ब्लाउज स्टिच करवाना है। एंड अगर आप ब्लाउज भी नहीं स्टिच करवाना चाहते, ऐसी वाली जो स्कर्ट्स है ना आजकल लोग व्हाइट शर्ट्स एंड हाईनेक्स के साथ काफी पहन रहे हैं, तो आप विंटर के अंदर वैसे भी टीम अप कर सकते हो, आपका इससे भी एक अच्छा खासा लहंगा बन जाएगा अगर आपके पास एक ब्लैक कलर का टर्टल नेक टॉप हो तो। थोड़ा सा बो अगर आप प्ले करना चाहते हो आप डेफिनेटली प्ले कर सकते हो, सो आपका एक्स्ट्रा ब्लाउज सिलवाने का खर्चा ही बच जाएगा। नेक्स्ट इज अ कॉटन कुर्ता सेट, लेकिन इससे पहले मैं स्टोरी सुना देती हूँ मेरी रिटर्न वाली कि मैंने क्यों वो सूट रिटर्न किया। सो मैंने एक सूट ऑर्डर किया था ग्रीनिश समथिंग कलर का था, मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दूंगी कि सेलर ने क्या इमेज डाली हुई है। एंड वुमेन रेयन ऑलिव कुर्ता प्लाजो कुर्ता सेट इसका नाम था, एंड इस पे कोई भी रिव्यूज नहीं थे, सो मैंने रिस्क लिया बिकॉज मुझे इसकी इमेज बड़ी प्रिटी लगी, आई वाज लाइक इतने प्राइस पॉइंट पे तो काफी प्यारा लग रहा है, सो मैंने ऑर्डर डाल दिया। जैसे ही आया मैंने खोल के देखा, अब क्या है मैं मीशो के काफी सारे कपड़े पहले ले चुकी हूँ, हॉल आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड मीशो की जो रिटर्न पॉलिसी है वो 7 days की होती है, 7 days के अंदर अंदर आपको रिटर्न कराना पड़ेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। सो काफी सारे कपड़े जब मैं शूट करते टाइम पहनती
करती हूँ वो एक्सपायरी डेट हो जाती है, डेट निकल जाती है, मैं रिटर्न नहीं करा पाती थी। वैसे भी अब तक मैंने जितनी भी 5 वीडियोज इससे पहले बनाई है, किसी में भी ऐसा नहीं हुआ कि दिखाया कुछ और है आया कुछ और है, सारे एग्जैक्टली वैसे ही आए हैं जैसे दिखाया गया है। एंड साइज क्वालिटी में मुझे ऐसा कुछ डाउट नहीं हुआ, तो मैंने कुछ भी रिटर्न कराने का नहीं सोचा। लेकिन ये वाला पर्टिकुलर कुर्ता सेट जब आया, मैंने खोल के देखा, बस लिटरली शॉक, मतलब बिल्कुल एकदम धोखा हो गया था। बिकॉज दिखाया कुछ और आया कुछ और, कुर्ता जो दिखाया था और जो आया, जमीन आसमान का फर्क था, उसके अंदर बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं थी। सो मैंने इंस्टेंटली उसी टाइम रिटर्न डाल दिया था। सो आप क्या करते हो, आपने जहाँ पे ऑर्डर डाला है अपनी ऑर्डर ऐप सेक्शन में जाओगे, ऐप के अंदर आप नीचे अप्लाई करोगे फॉर रिटर्न, विद इन 7 डेज होगा तो आप एलिजिबल होगे रिटर्न के लिए। फिर वो आपसे रीजन पूछते हैं कि हमें रीजन दो कि आपको रिटर्न क्यों करना है। तो रीजन में मैंने लिख दिया था कि उनके पास ऑप्शन था ऑलरेडी कि डिफरेंस है इमेज के अंदर और जो घर आया है, वो ऑप्शन ऑलरेडी था, तो मैंने उसको टिक कर दिया था। नीचे कॉमेंट्स के अंदर मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया था कि कुर्ता अलग है, दुपट्टा अलग है। मैंने इमेजेस भी क्लिक कर ली थी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने प्रॉपर स्टैंड पे रख के इमेज क्लिक करी थी, मैंने पहना नहीं, बिकॉज जब पता है रिटर्न डालना है सो पहनने का कोई सेंस नहीं बनता। सो मैंने ऐसी इमेज क्लिक करके, यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हो इमेजेस कि ऐसा आया है एंड जो सेलर ने दिखाया वो ऐसा था। सो दो या तीन दिन, आई गेस नेक्स्ट डे या फिर 2 दिन के अंदर मुझे वहां से मैसेज आ गया था कि आप एलिजिबल हो रिटर्न के लिए। मुझे मैसेज आ गया था कि आपका पिकअप शेड्यूल हो चुका है, इस दिन आपका पिकअप हो जाएगा। जिस दिन पिकअप शेड्यूल था उस दिन नहीं हुआ, आई गेस नेक्स्ट डे वो फिर आए पिकअप लेने एंड उन्होंने सूट वूट देखा एंड वो लेके चले गए। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर ही मुझे आ गया था कि आपका पिकअप वगैरह हो चुका है एंड आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। सो जिस पेमेंट मेथड के थ्रू मैंने पे किया था, मुझे उसी पेमेंट मेथड के थ्रू पूरे पूरे पैसे वापस आ गए। एंड वो कुर्ता सेट मुझे पड़ा था, आई जस्ट टेल यू द प्राइस, 649 रुपीज का मुझे वो कुर्ता सेट पड़ा था। सो उसको रिटर्न करा के आई वाज लाइक यार एक कुर्ता सेट तो लेना पड़ेगा ताकि हॉल थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाए। सो मैंने दोबारा ऐप के ऊपर ढूंढा एंड मुझे दिखा ये वाला पर्टिकुलर कुर्ता सेट का नाम है नवरात्रि येलो कलर वुमेन सॉलिड रेयन लव कुर्ता सेट विद शरारा। वो 649 का था, ये 643 रुपीज का है। सो मैंने बैलेंस आउट कर दिया कहीं ना कहीं। सो इसके साथ बेसिकली मिलता है शरारा जो कुछ इस तरह से दिखता है, शरारा शरारा, बच्चों ने किधर डांस करते थे ये वाले गाने पे। पहले थोड़ा सा डाइसी थी बिकॉज लाइट पिंक के साथ एकदम येलो काइंड ऑफ कलर अजीब तो नहीं लगेगा, बिकॉज मैंने कभी ऐसे दो चटैक शेड्स कभी नहीं पहने, बट ओवरऑल लुक काफी अच्छी लग रही है। सो मुझे ऐसा कुछ कंप्लेंट नहीं है लुक के साथ, बट आई हैव वन इशू मैं बताने वाली हूँ। लेंथ भी मुझे काफी अच्छी आ रही है, आप अगर हल्के से और लंबे हो तो आपको भी अच्छे से आ जाएगी। मैंने एक लेवल फोल्ड किया था। सो ये प्लाजो, इसके साथ मिलता है दुपट्टा, पिंक कलर का, बहुत प्यारा कलर है एंड सेम बॉर्डर दिया हुआ है। एंड दिस इज हाउ द कुर्ता लुक्स लाइक, द मटेरियल इज रेयन लव जो डिस्क्रिप्शन में लिखा होता। मैंने साइज पिक किया M, तो मुझे यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, जो चेस्ट साइज से आता है एकदम परफेक्ट आ रहा है। इसके साथ जो इशू है ना, मुझे पेट के वहां से आ रहा है बिकॉज इसका जो कट है वो काफी नीचे तक जा रहा है। मैंने जब पहना मुझे लगा कुर्ते का कट काफी नीचे तक जा रहा है, ऑल्दो ऊपर तक होता है। मे बी दैट्स द रीजन वाई मुझे पेट से हल्का सा टाइट लग रहा है। सो अगर आप मेरे साइज के हो ना तो शायद एक साइज ऊपर लोगे तो बेटर रहेगा, अगर आप मीडियम लेना चाहते हो। सो मैं सजेस्ट करूंगी लार्ज लो ताकि ऑल्ट्रेशन कराने का चांस हो, बिकॉज अदरवाइज ये पेट से हल्का सा फंस सकता है। एंड द मटेरियल इज स्लाइटली शियर, बिल्कुल लाइक एकदम शियर नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो जो मैंने पहना हुआ है हल्का सा शियर है ये। सो अगर आप न्यूड कलर की स्पेगेटी पहनना चाहते हो पहन सकते हो। एंड सिंस ये पेट से थोड़ा फंस रहा था ना, तो शियर जो पार्ट होता है वो और ज्यादा निखर के आता है। सो अगर ये नीचे से लूज होता तो बेटर रहता, बट ओवरऑल आई लव द लुक, एटलीस्ट उस कुर्ते से तो बेटर ही है, जो दिखाया है वो आया है। एंड रियली ब्यूटीफुल, पूरी इसकी लुक काफी प्यारी है। अगर आपके कोई फ्रेंड फैमिली में किसी की हल्दी सेरेमनी है ना, तो ये काफी प्यारा लगने वाला है। एज यूजुअल आई विल बी एंडिंग द हॉल विद अ ज्वेलरी आइटम ओनली, एंड इस बार मैंने एक ही कैटलॉग में से 2 ज्वेलरी आइटम मंगवाए हैं। सो वो एक साथ डिलीवर होते हैं, बिकॉज मीशो क्या है वो रीसेलिंग पर्पज से बना हुआ है। सो आप बहुत सारे अलग अलग सेलर कैटलॉग की चीजों को एक टाइम पे मल्टीपल आइटम्स एड टू कार्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एक ही सेलर के कैटलॉग में से मल्टीपल आइटम्स चूज करोगे सो वो आपको एक साथ डिलीवर होगा। सो मैंने ये 2 बोहो झुमकीज मंगवाई है, ऑक्सीडाइज सिल्वर के झुमकीज जो आजकल काफी फैशन में है। नंबर 1 इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट, ये मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम स्टोर्स की इमेजेस में भी देखी हुई है एंड वो थोड़ा सा और प्राइजी वे में सेल कर रहे हैं। दोनों मुझे पड़ी हैं 147 ईच की एंड इसके ऊपर लिखा हुआ है ये टेक्स्ट, आई होप यू कैन सी, इट सेज मुसाफिर। एंड ऐसे टेक्स्ट के मैंने बहुत सारी झुमकीज अलग अलग सेलर्स के पास भी देखी हुई हैं, मीशो के ऊपर भी अलग अलग टेक्स्ट थे, लेकिन मुझे मुसाफिर वर्ड काफी अच्छा लगा था। इट लुक्स रियली बोहो एंड नाइस, डेनिम टॉप्स के साथ आप पहन सकते हो, काफी क्वर्क एक ऐड कर देता है आपके लुक के अंदर। आई रियली लाइक द होल वाइब ऑफ इट, छोटा सा है ना सो मेरे फेस लेंथ के हिसाब से भी सूट कर रहा है। मेरा फेस काफी छोटा है तो मैं अननेसेसरी बड़ी बड़ी लंबी लंबी झुमकियां नहीं पहनती, इस साइज की झुमकी या हल्की सी इससे लंबी इज गुड फॉर मी। हमेशा
अपने फेस कट के हिसाब से लिया करो, हमेशा फैशन को मत फॉलो करो, अपना फेस कट देखो उसके बाद झुमकिया खरीदो। लवडेड मटेरियल जो होता है इनका अलॉय होता है, इनकी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है, ये हल्की हल्की ऑक्सीडाइज ही होती है, इसकी लुक पूरी ऐसी ही आती है। एंड इमेजिन वेयरिंग दिस मुसाफिर झुमकी विद अ नाइस ब्लैक कलर की हाई नेक एंड दिस खादी कॉटन साड़ी, मतलब बिल्कुल अलग लेवल का एक बोहो वाइब्स क्रिएट हो जाएंगी। सो 147 रुपीज़ के हिसाब से नॉट एट ऑल बैड। सेकेंड वन इज अगेन अ वेरी क्वर्की आइटम, मतलब मैंने दोनों ही ऐसे ऑर्डर किए हैं जो यूजुअली देखने को नहीं मिलते। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स अ टेलीफोन थिंग, यू कैन सी राइट हियर, ये टेलीफोन बना हुआ है बेसिकली एंड ऊपर जो है बर्ड्स बैठी हुई है उसके ऊपर एंड नीचे पर्ल हल्का सा दिया हुआ है। रियली लाइक द ओवरऑल वाइब ऑफ इट, ऊपर चिड़िया बैठी हुई है, नीचे टेलीफोन है, नीचे पर्ल बना हुआ है, मतलब मिक्स है, एकदम क्वर्कीनेस भरी हुई है इस इयररिंग के अंदर। अगेन साइज एकदम परफेक्ट है, यू कैन सी राइट हियर, एकदम सूट कर रहा है मेरे फेस कट के हिसाब से, अननेसेसरी लंबा या फिर बड़ा नहीं है। सो अगर आपका भी छोटा सा फेस है ना तो ऐसे वाली इयररिंग काफी अच्छे लगने वाले हैं, ये एकदम इंडो वेस्टर्न बोहो लुक देते हैं। सो डू लेट मी नो इस पूरे हॉल के अंदर आपको क्या अच्छा लगा। सो मैं फटाफट बता देती हूँ कि यूज कैसे करना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, उस लिंक के थ्रू जो आप इंस्टॉल करोगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा अपनी फर्स्ट परचेज के ऊपर, डिटेल्स मैंने नीचे लिख दिया है वो पढ़ लेना। सो आप ऐप इंस्टॉल करोगे, अपना अकाउंट बनाना जैसे नॉर्मली बनाते हो, बहुत सारी चीजें दिखेंगी, क्लोदिंग इंडियन वेस्टर्न, इवन फॉर मेन एज वेल, देन दे हैव गैजेट्स, देन दे हैव ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीजें हैं, बच्चों का भी सामान है। किसी भी कैटेगरी में जाओ, सबके नीचे आपको शेयर नाउ का बटन दिख जाएगा, उस पर जब आप क्लिक करोगे आप व्हाट्सएप पर अपनी पर्सनल चैट या फिर ग्रुप चैट किसी को भी भेज सकते हो। सो सबसे पहले क्लिक करोगे इमेजेस चली जाएंगी, सेकंड टाइम पे दोबारा क्लिक करोगे बैक जाके तो डिस्क्रिप्शन चली जाएगी। अब आप जिसको भेज रहे हो उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो मीशो की तरफ से आ रहा है, उसके लिए आप ही एक सेलर हो, उसके पास इमेजेस चलेगी, डिस्क्रिप्शन में साइज, क्वालिटी, मटेरियल सब कुछ चला गया। उसने बोला कि मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, सो उसने पूछा प्राइस। आप मीशो पर कैटलॉग पर जाके देखोगे कि प्राइस क्या है, फॉर एग्जांपल ये जो साड़ी है ये 469 रुपीज की है एंड आपको लगता है मैं इस साड़ी को आराम से 600 रुपीज की सेल कर सकती हूँ, तो आप उसको कोट करोगे 600 रुपीज। तो उसने कहा ठीक है मुझे मेरा ये ऑर्डर प्लेस कर दो। सो आप अपनी ऐप पर जाके ऑर्डर प्लेस करोगे, उसके लिए प्रॉफिट मार्जिन के अंदर आप बेसिकली टोटल प्राइस लिखोगे 600, नीचे मीशो खुद ही दिखा देगा कि आपका प्रॉफिट मार्जिन इतना है एंड उसको जब प्रोडक्ट जाता है उसके ऊपर 600 रुपीज ही लिखा होता है, वो ओरिजिनल प्राइस वहां पे लिखा नहीं होता। कि उस फ्रेंड ने कहा है कि मैं कैश ऑन डिलीवरी कराना चाहता हूँ तो कैश ऑन डिलीवरी चूज कर लेना, जब प्रोडक्ट चला जाएगा, मिल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि रिसीव हो चुका है, तो जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो आपकी ऐप पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड आप बैंक अकाउंट में रिडीम कर सकते हो। अगर प्रीपेड होगा तो वो आप पहले ही डील करके रख लेना कि आप उससे कैसे पैसे लेना चाहते हो एंड इट इज वेरी वेरी इजी, कोई भी स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी डिलीवरी का हैसल रखने की जरूरत नहीं है। रिटर्न पॉलिसी भी मैंने आपको समझा दी, बिकॉज इससे पहले मैंने कोई भी आइटम रिटर्न नहीं कराया था तो मैंने ज्यादा कॉमेंट नहीं किया, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहती कि हाँ रिटर्न हो जाता है। इस बार मैंने प्रॉपर रिटर्न कराया, मैंने पूरी प्रोसेस देखी है तो मैं आपको अच्छे से समझा पाई। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड आई होप आपको इस पूरी सीरीज में मजा आया होगा। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं बहुत सारे रिव्यूज करती हूँ, ब्यूटी फैशन स्किन केयर के मैं बहुत सारे रिव्यूज स्टोरीज पर ही कर देती हूँ, जिसके आप रिव्यूज यहाँ पर मांगते रह जाते हो मैं स्टोरीज पर पहले ही कर देती हूँ। सो जाकर मेरी हाईलाइट्स चेक करना, मैंने बहुत सारे वहाँ पर रिव्यूज भी किए हुए हैं एंड फ्यूचर में भी होने वाले हैं। सो मेक श्योर पार्ट ऑफ माई फैमिली, सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।